इस पे ना आप रैप कर सकते यूट्यूब पे दिखा के, देखेंगे वो मैं आपको रैप दिखाता हूँ। जिन लोग भी अब आने वाले ले ले इस साल या अगले साल तक, अंदर ये फंक्शन है मेरे को नहीं बताता। सो भाई मैं आ गया भूलिया के पास FC यूनिट तिलक नगर, और मैं आया क्यों था भाई, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा रैप होने वाला स्कूटी पर, स्कूटी हम छोड़ने आए थे भैया के पास, और रात के बज रहे अभी 10:30। देखो मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, भैया खाना वगैरह खा रहे थे। देखो भैया की भी एयरोक्स खड़ी हुई है और हमारी एयरोक्स, और जो भैया हमारे लिए रैप लेके आए मैं आपको वो दिखा। अपनी स्कूटी हम छोड़ देंगे आज यहाँ पर, दो दिन बाद मिलेगी हमें। और भैया और मैं प्लान कर रहे हैं दोनों स्कूटर्स पे, ये भैया वाला है एयरोक्स, इसके ऊपर हम जो करेंगे वो मैं आपको रैप दिखाता हूँ। देखो भाई ऑन ऑर्डर आया ये रैप, और ये भाई इस पे देखो बड़ा अमेजिंग लगने वाला है ये रैप। ये अभी ऐसा है, मैम सिल्वर ही करा रहा हूँ जान के, मैं अभी छेड़ा छड़ी नहीं कर रहा, बाद में इन फ्यूचर चेंज करा लूँगा मैं, पर कुछ टाइम के लिए यही रखते हैं। अभी अब हम आप सोच रहे हैं कार्बन कराने की, जो कुछ पार्ट्स है तो भैया साथ में कार्बन कराएंगे, तो हमें एक बार वो भी देखना है। कार्बन डिप कराएंगे हम, हाँ हम कार्बन डिप कराने वाले कुछ पार्ट्स, और दोनों में होने वाले। तो अभी हम भैया के छोड़ देते हैं स्कूटर अपना, और भैया से मिलेंगे दो दिन बाद, जब रैप हो चुका होगा, ग्राफिक्स हो चुके होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा असली लुक क्या। Tomorrow. Welcome back to the channel again. और मैंने कल जो वीडियो बनाई थी रात में, मैं हमने स्कूटी ड्रॉप कर दी थी अपने मोंटू भाई के पास FC यूनिट, तो उनका ही आज फोन आ गया कि भाई आपकी स्कूटी रैप हो चुकी है, पर उसमें अभी भी स्टिल थोड़ा सा अपना ग्राफिक्स का वर्क पेंडिंग है जो हमें करना है, तो उन्होंने बोला कि आपके सामने ही कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कल वाली क्लिप में कि हम इसमें कार्बन भी एड ऑन करने वाले हैं, कार्बन डिप करवाने वाले हैं, तो भैया की स्कूटी है एयरोक्स और मेरी स्कूटी दोनों पे करवाने वाले हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बोबर पे, मैं आपको नया हेलमेट दिखाता हूँ जो मैंने उस दिन करोलबाग में लिया था, आपको दिखाया। ये है वो अपना हेलमेट, स्टड्स का डाउनशिप, और एक और चीज़ मेरे को अभी पता लगी है भाई, एक तो आपको फुल फेस लग रहा होगा ये हेलमेट, बट इसके अंदर से भाई ये जो इसका चिन्ह है ये पूरा निकल जाता है प्रॉपर, यहाँ से देख रहे हो आप फिटमेंट से, ये पूरा निकल जाता है, तो आपका हाफ फेस बन जाता है, और ये आपकी स्कूटी में भी आ जाएगा। अंदर ये फंक्शन है मेरे को नहीं बताता, सन वाइजर भी है जिससे कि आप धूप से भी बच सकते हो, ये अच्छी चीज़ है भाई इसमें। और ये देखो बटन दबाते हैं, ये गायब भी हो गया, और ये मैंने स्पेशली स्कूटी के लिए लिया था। निकलते हैं मोंटू भाई के पास, मैं आ गया हूँ FC यूनिट मोंटू भैया के पास, और अभी मैंने देखा अपनी स्कूटर पूरा रेडी हो चुका है, और उसमें भी कार्बन पार्ट्स के लिए वो जाने वाले हम पार्ट्स निकाल रहे हैं, और मैं आपको लुक दिखाता हूँ स्कूटर की। ये देखो भाई बढ़िया रैप हो गया हमारा, अभी जस्टिस नहीं कर रहा था भैया, जब आपने कल वीडियो भेजी थी मुझे पता चल गया था कि उसमें तो अच्छी लगी रही थी और अच्छी लगने वाली है रियल में, तो अभी जितने भी देना भैया कह रहे हैं मैं भी अपनी स्कूटर पे यही वाला कलर कराने वाला, और मेरा मन और करके मैं बोबर लेके आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम बोबर को भी अब यहीं छोड़ देंगे, जैसे ये लेके जाएंगे बोबर यहाँ छोड़ देंगे, बोबर पे भी सेम कलर करवाने वाले हैं। अभी उसकी मोटिवेशन पेंडिंग है जो मैंने आपको बताया था फैट टायर वगैरह, तो टिल देन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस पर रैप करा देते क्योंकि उसमें भी टाइम है, क्योंकि अपनी गाड़ी भी तैयार हो रही है, तो पहले गाड़ी का भी खर्चा देखना है, उसके बाद उस पर शिफ्ट होंगे। और भाई ये देखो अभी हमने सारे कार्बन पार्ट्स निकाल, मतलब ये जो एरिया है हमारा ये वाला साइड वाला जो पैनल है ये वाला, ये सारा हम लेके जा रहे हैं कार्बन करवाने के लिए, और भैया की स्कूटी के भी हमने पार्ट्स निकाल दिए क्योंकि इसको भी हम कार्बन के लिए देने वाले हैं। और ये भाई को रैप देखो चेक करो, एक तो फिनिशिंग क्वालिटी और भैया ने जो काम किया ना बता नहीं सकते कि ये रैप है, मुझे तो भैया पेंट ही लग रहा था कि ये पेंट होके खड़ी हुई है। और हमने इसमें से मेरे ख्याल से नीचे वाले वो भी निकाले ना डिटेल्स, अगर वो हम उसके ऊपर कर देते तो आपको पता है प्रिंट आ जाता उसका, न्यू वाले अपने जो हमें चाहिए इंस्टा वगैरह मतलब कुछ भी करवा सकते हैं ऊपर हम जो हमें चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा था ये भी कार्बन अगर हो जाए भैया, ये हो जाए अगर ये निकल गया, वरना तो हम यही रखते हैं, भैया कह रहे हैं ये भी अच्छा लग रहा है, ये सोच रहे हैं गार्ड का इतने ये पीस करवा लें, इसको भी चेक करते हैं अगर ये निकल जाएगा तो इसको भी करा लेंगे हम कार्बन डिप। तो भाई अब अपनी हेडलाइट्स भी स्मोक हो गई, अच्छा ये पन्नी चिपकी हुई है अभी, लास्ट में रिमूव करेंगे इसको सारा। भाई जब पूरी फिनिशिंग की ओर आ जाएगी हमारे पार्ट्स वगैरह पूरे आ जाएंगे तब अनवील करेंगे। हमने इस पे भी लेमिनेशन चढ़ाई थी, उतर गई है इस पे, है अभी पेट्रोल टैंक का हमने कवर ही मंगा लिया पूरा कार्बन वाला। भैया अभी शायद कार्बन आप तो करवा रहे हो, बहुत अच्छा स्कूटर है, पर ये जो एरिया ना सारा इस पे ना आप रैप कर सकते हो ना कुछ और स्टिकरिंग कर सकते हो, आपको ये डिप ही करवाना पड़ेगा या पेंट करवाना पड़ेगा, इतना गंदी क्वालिटी और बहुत जल्दी गंदा होता है देख रहे हो, मतलब कुछ भी लगे भैया धूल मिट्टी पैर वो हटता ही नहीं उसके बाद, वो चिपक ही जाता है इससे। हमारे छोटे ब्लॉगर कैसे हो, ठीक हो, वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया वैसे? अब मैं बोल रहा हूँ भैया को कि वापस से चालू करो व्लॉगिंग, ठीक है मैंने देखी भैया, और रात को मैं ये कह रहा था भैया ने वीडियो भेजी मैं रात को देख रहा था, मैंने बड़ा मजा आया भाई व्लॉग देखते, मैं तो कह रहा हूँ भैया वापस चालू करो ठीक है, साथ मिलके बनाएंगे ठीक है। तो भाई हम कार्बन डिप के लिए दे गए अपने पार्ट्स, और ये वाला एरिया भी हमारा कवर हो चुका है, ये रेडी हो गया है अपना, और हम सोच रहे हैं कि भाई अब इसके साथ साथ ये तो दे ही देंगे, उसके बाद भाई लोग छोड़ देंगे अपनी बोबर, अपनी बोबर भी छोड़ देंगे हम, सेम रैंप करवाने वाले बोबर पे, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि इसमें भी हमने पार्ट्स दिए कार्बन होने के लिए, दो तीन दिन लग जाएंगे कार्बन पार्ट्स आने में, जैसे ही आ जाएंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद ये ले जाएंगे और उसके बाद हम अपनी बोबर छोड़ देंगे। तो भाई अनदर पार्सल हमें रिसीव हो गया अपनी एयरोक्स का, भाई अपना इंजन कवर कार्बन फाइबर एयरोक्स का, ये पूरा कार्बन डिप डे 2। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, भाई हम आ गए आज हमें अपनी एयरोक्स वापस से मिल जाएगी, हम फिर से डिलीवरी ले लेंगे, एक बार शोरूम से ली थी एक बार ची यूनिट मोंटू भाई से ले रहे हैं, जो एयरोक्स के पार्ट्स थोड़े डिप होके आ चुके हैं, तो हमने कुछ पार्ट्स कराया फोर्स्ड कार्बन, जैसे ये वाला हो गया पीछे का हो गया, और हमने जो बाकी एरिया था हमारा देखो ये हमने कार्बन करा दिया है, इससे मिलता जुलता पूरी कार्बन लोडेड हो चुकी है, एयरोक्स की वाइजर भी आ चुका है,
अब ये देखते हैं कैसा लगे इसको लगने के बाद। लुक तो अच्छी आ रही है भैया, चीज ही अलग हो गई। देखो हमारा रह गया था हमारा कार्बन फाइबर टैंक कवर। मैं अभी दिखाता हूँ जो भैया की स्कूटी में काम हुआ है ना, भैया ने भी कार्बन कराया, पर भैया ने कराया फोर्स्ड कार्बन, और जितना भी पार्ट है सारा फोर्स्ड कार्बन हो रखा है। देखो इस एरोक्स में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो भैया का पूरा फोर्स्ड कार्बन हुआ है। भैया ने ये नहीं करवाया, ये हमने करवा लिया था, पर भैया ने टैंक वाला कराया और हमने टैंक का अपना कार्बन वाला मंगा लिया था। फिलहाल भैया ग्राफिक्स लगा रहे हैं, देखो ये देखिए भाई। तो पहले जो इसमें था हमारा जो आता था इसके अंदर पूरा मतलब शेड में आता था, ग्राफिक्स वगैरह के साथ आता था, तो अभी हम सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखवा रहे हैं जो भी हमारा, जैसे यामा हो गया सिंपल सिंपल, और ये भाई लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। और हमारे जो भैया ने ना ग्राफिक्स भी पूरे सेम निकाले एरोक्स वाले जो अल्फाबेट आए हैं, फॉन्ट्स पूरे वही सेम वाले, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कंपनी से किया है या फिर बाहर से करवाया। पता ना कि कैसे लुक आ रही है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, पर इसके अंदर अभी भी हमारा टेक्निकल वर्क पेंडिंग है, शायद हम इन फ्यूचर करवाएं, जो कि हमारा मोनोशॉक वगैरह है, पीछे की टेल टाइडी वगैरह डिसेंट लग रही है। और एक और चीज भैया ने बताई अभी कि ये रैप होने के बाद इस डोमिनार पे भी हुआ भैया की, और यही रैप देख के दो तीन बंदे मतलब बहुत सारे ऑर्डर आ चुके, और ये रैप हमने ऐसे ही मंगा लिया था, सिर्फ इसके लिए मंगाया था, अब ये रैप खत्म हो चुका है भैया के वास्ते, तो भैया वापस से रिस्टॉक करने वाले। को जल्दी से डीएम कर देना, मैं डाल दूंगा सारा इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ। भूसा भी आ रखी है अपने पास, भूसा पे भैया ने पूरा रैप किया, मैट ब्लैक हो रखी है पूरी बाइक, स्टिकरिंग वर्क हो जाए उसके बाद हम जो बाकी की चीजें अपना जैसे कवर हो गया, विंडशील्ड होगी, ये सारा हम इंस्टॉल करवा लेंगे। चलो जब तक ये हमारे ग्राफिक्स निकाल रहे हैं, तब हम इसकी विंडशील्ड खोल लेते हैं और चेंज कर लेते हैं खुद ही। ये निकल चुका है हमारा, और अभी लगाते हैं दूसरे वाला, इतनी सारी एक बार ही उतारेंगे भाई। लग चुकी है अपनी अभी फिलहाल इस पे जो ये सब है, हम एकदम लास्ट में उतारेंगे क्योंकि हमारी इस पे भी अभी पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है, तो ये लास्ट में उतारेंगे। सो हमारे जो ग्राफिक्स है थोड़े से मिलते जुलते जैसे 155 था, तो हमारे में बस डिफरेंस क्या है कि भाई जैसे यहाँ पे 155 लिखा है पूरा ग्राफिक्स के साथ आ रहा है, और हमारे में जो है देखो यहाँ पे तो नॉर्मल यामा ही है, पीछे सिर्फ हमने लगवाया ये एरोक्स 155। सो भाई हमारा यूट्यूब का लोगो, तो भाई जिस जिसने नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना। तो हमारी पीपीएफ भी इंस्टॉल हो चुकी है, तो टैंक को इंस्टॉल करते हैं। तो देखो भाई ऐसी लुक आएगी, तो ये भी डबल टेप से चिपकेगा, निशान भी है इस पर, वैसे हमारा लग चुका है। देखो तो भाई ये अपनी वाइजर की लुक ले लेते हैं अपने छोटे दोस्त से। हेलो, आप कैसी लग रही है? पहले से डिफरेंट? हाँ। पापा वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है भैया? अब देख लो हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अब इसको भी करा दे ऐसा। कैंसर है आप इस पे, ये वाला कराया या कौन सा? इतने सारे हैं यहाँ पे, तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस पे भी हो गया देखो डोमिनार पे। लाल भैया भी यही वाला रैप करवाने वाले, अब मेरे ख्याल से आप ग्राफिक्स थोड़े अलग करोगे, फिर भी कराएंगे चेंज। जगह भी चैनल है उसी पे आप भैया की मॉडिफिकेशन देखना जो इस एरोक्स पे होने वाली है। ले आए एक और, फिर 6 महीने आप भेज देंगे यूट्यूब पे दिखा के जैसे लोग करते हैं भैया दिखाओ चलाओ और वीडियो बनाओ और भेज दो, फिर दूसरी ले लो। पर नहीं, अपने को तो लेनी है, अपना तो ड्रीम है, इंतजार करते हैं, ये भी शायद ले ले इस साल या अगले साल तक ये भी आई जाएगी, या कोई और भी आ सकती है, जरूरी नहीं है भूसा ही आए। तो भाई फाइनली अब देखो पूरी रेडी हो चुकी है, सब कुछ लग चुका है अपना, बस ये कवर रह गया है, इसके लिए हमें नट पूरा खोलना पड़ेगा, और टूल नहीं है हमारे पास, सब कुछ अपने लोगो वगैरह, इंस्टा हैंडल, अपना यूट्यूब का हैंडल पूरे चेंज हो चुकी है। अब भैया के इसमें गोबर लेके आ रहा हूँ जल्दी, ऑल क्रेडिट गोज टू भैया, और जल्दी से जल्दी काम कराए, और भाई जिसको भी करवाना हो ना सारा काम हो जाता है भाई, रैप हो गया आपका, कार्बन डिप हो गया, भैया सारा काम आपको करवा के दे देंगे। इसी ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबा देना। थोड़ा भाई बोल दो क्या क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।